हेलो एवरीवन, सिक्स क्लास के चैप्टर टू कंपोनेंट्स ऑफ फूड का पार्ट वन हम लोग कर चुके हैं। ये है पार्ट टू, जिसमें कि हम बैलेंस डाइट, डेफिशिएंसी डिजीजेस और उनके बारे में पढ़ेंगे कि डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या क्या होते हैं और किस चीज़ की कमी से कौन सा डिजीज होता है। सो विद दिस इज मी मनोज एंड यू आर वॉचिंग बोर्ड एंड मार्कर। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है बैलेंस डाइट। होती क्या है बैलेंस डाइट? क्या होती है? एक ऐसी डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, फाइबर, विटामिन्स और सारे के सारे मिनरल्स, ये सब प्रेजेंट हो, उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। अ डाइट कंटेनिंग ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन राइट प्रोपोर्शन, जो कि राइट प्रोपोर्शन में भी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं हो कि फैट बहुत ज़्यादा हो पर प्रोटीन कम हो, या प्रोटीन ज़्यादा हो फैट कम हो। तो हर चीज़ बैलेंस होनी चाहिए, जैसे कि नेचर में भी हर चीज़ बैलेंस होनी चाहिए, वैसे ही हमारी डाइट भी बैलेंस्ड ही होनी चाहिए। इसके बाद है अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन एक ऐसी स्टेट है जिसमें हम खा प्रॉपर रहे होते हैं, हम खाना अच्छे से खा रहे हैं पर फिर भी हम वीक रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, मान लो हमारी डाइट में रोज़ एक ही चीज़ चली आ रही है जिसमें कि प्रोटीन काफ़ी कम है, तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगी, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो वही स्टेट होती है अंडर न्यूट्रिशन, एन अनहेल्दी स्टेट ऑफ बॉडी ड्यू टू द इनटेक ऑफ लेसर क्वांटिटी ऑफ फूड। तो इसमें ये प्रॉब्लम हो जाती है कि खा भी रहे हैं पर तब भी प्रॉपर अमाउंट में नहीं है, इसलिए हमको बैलेंस डाइट लेनी बहुत ज़रूरी होती है। अब इसके बाद आते हैं डिजीजेज जो शुरू होते हैं। अगला है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन लैक ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट, इसमें एक या एक से ज़्यादा चीज़ों की कमी होगी, तो उसको हम बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन आपने काफ़ी सुना भी होगा, इसी से बच्चे ज़्यादा सफ़र करते हैं जो कि काफ़ी वीक रह जाते हैं, फिर वो थ्रू आउट द लाइफ बहुत वीक रह जाएंगे और ग्रोथ भी नहीं हो पाती उनकी। वो मतलब मानो ऐसे 4-5 साल में चलना सीखेंगे, बोलना सीखेंगे, मतलब हमारे नॉर्मल लोगों की तरह नहीं हो पाते वो। क्यों? क्योंकि वो माल न्यूट्रिस्ट होते हैं। इसके बाद अब उल्टा डिजीज़ आ गया, ओबेसिटी। ये डिजीज़ आजकल ज़्यादा पॉपुलर है, बल्कि इवन स्कूल किड्स में भी 30-40% प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे हैं वो ओवरवेट होते हैं या ओबेसिटी से सफ़र कर रहे होते हैं। अब इसके कारण कई सारे हैं। ओबेसिटी होती क्या है? पहले तो ओवरवेट, मतलब बॉडी का ओवरवेट हो जाना अपनी लिमिट से ज़्यादा, या बल्किनेस या मोटे हो जाना सिंपल वर्ड्स में, तो उसको बोलते हैं ओबेसिटी। इसका कारण क्या हो सकता है? सबसे मेन कारण है इसका ओवर ईटिंग। ऐसी चीज़ें हम इनटेक कर रहे हैं जिनमें के फैट काफ़ी ज़्यादा है, तो उससे हम ओबेसिटी का शिकार हो सकते हैं। दूसरा, लैक ऑफ एक्सरसाइज। अब बाहर खेलने वाले स्पोर्ट्स रह नहीं गए, अभी लॉकडाउन ज़रूर चल रहा है पर वैसे भी अब चिल्ड्रन कम क्या करते हैं, कम बाहर आउटडोर स्पोर्ट्स में कम रुचि लेते हैं, जैसे कि क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, कोई भी हो गया, बास्केटबॉल, टेनिस, जो भी आपको पसंद है तो वो खेला ज़रूर करो। अगर घर में भी हो तो घर में भी थोड़ी बहुत एक्टिविटी आपको ज़रूर करनी है ताकि बॉडी भी सही वर्क करती रहे। तो लैक ऑफ एक्सरसाइज कभी नहीं होना चाहिए, चिल्ड्रन में भी है या एडल्ट्स के लिए भी, सभी के लिए थोड़ा बहुत वर्कआउट या थोड़ा बहुत फिजिकल वर्क सभी लोगों को करना चाहिए। अब इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज रेगुलरली, योगा एक्सरसाइज, कुछ भी हम लोग रेगुलरली करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और योगा की एक स्पेशलिटी बता दूँ, ये आजकल इतना पॉपुलर हो रहा है कि फॉरेनर्स भी हमारी चीज़ों को अपना रहे हैं, तो योगा को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है, और इंडियन चीज़ है तो वैसे ही हमने प्रमोट करना है, तो इसके लिए हमें पहले खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है अवॉइडिंग हाई फैट डाइट। हाई फैट, जो भी फ्राइड चीज़ें होती हैं, जो ऑयली चीज़ें होती हैं, उनको हमने अवॉइड करना है ताकि हमारी बॉडी में फैट कम जाए तो वो इकट्ठा कम होगा। इसके कारण और भी होते हैं दो, कुछ कुछ में जेनेटिक होता है, कुछ में बीमारी जैसे थायरॉयड वगैरह से भी ये हो सकता है। और इसके अलावा दो डिजीज और होते हैं, क्वाशियोरकर और मैरास्मस। क्वाशियोरकर और मैरास्मस, ये दोनों डिजीज भी इनसे रिलेटेड है, अंडर न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, प्रोटीन्स की कमी हो जाती है हमारे अंदर, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाएगी तो हम क्या होंगे, बच्चा बहुत ही वीक हो जाता है, बिल्कुल पतला सा दिखाई देता है, उसकी सारी बोन्स आपको दिखाई देंगी, और बैली क्या हो जाएगी, पॉट बैली हो जाएगी। पॉट बैली का मतलब बॉडी सारी नॉर्मल है पर जो स्टमक है वो थोड़ा सा गोल या ज़्यादा फूला फूला दिखाई देगा। इनको बोलते हैं क्वाशियोरकर और मैरास्मस, दोनों के ही सिम्टम्स लगभग सेम होते हैं। स्किन क्या होती है, बूढ़ों जैसी हो जाती है, उतरने लग जाती है। तो ये दो डिजीज थे जो
बैलेंस डाइट ना लेने की वजह से होते हैं। कारण क्या हो सकते हैं इनके? माल न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन और ओबेसिटी, आपको मैं बता चुका हूँ। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के बाद अब हम चलते हैं उन डिजीजेस की तरफ जो कि विटामिन्स की कमी के कारण या विटामिन्स की कमी के कारण होते हैं, और वो डिजीज़ ये आ गए हमारे पास। ये डिजीज़ है, इनमें सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब हिंदी में रतौंधी बोलते हैं, मतलब रात को हमको ठीक से नहीं दिखाई देगा। नाम से ही पता लग रहा है नाइट ब्लाइंडनेस, कि रात को हम अच्छे से नहीं देख पाते इस डिजीज़ में। तो ये होता है विटामिन ए की कमी के कारण, और ये ज़्यादा डिजीज़ हो जाए तो कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी आ सकती है, मतलब पूरी तरह से अंधे हो सकते हैं। दूसरा है विटामिन बी। विटामिन बी की डिजीज़ से कमी से बेरी बेरी डिजीज़ होता है। बेरी बेरी में क्या होता है, हम बहुत वीक हो जाते हैं और कमज़ोर दिखाई देते हैं। तीसरा है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी नाम का डिजीज़ हो जाता है, और स्कर्वी में क्या होता है, हमारे जो गम्स होते हैं ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं, मतलब हमको दांतों में और मसूड़ों में खून आने लग जाता है। और सी विटामिन के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिट्रस फ्रूट्स या फिर खट्टी चीज़ें जैसे नींबू, मौसम्बी, संतरा, ये सब खा सकते हैं। विटामिन डी हमें हड्डियों के लिए ज़रूरी होता है, तो विटामिन डी की कमी से हड्डियों का डिजीज़ होगा, जैसे कि रिकेट्स हो सकता है या बोन्स हमारी वीक हो सकती है। तो ये होता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से हमें होता है स्किन डिजीज़। स्किन डिजीज़ में क्या होता है, हमारी स्किन पेल हो जाती है और इसके स्किन उतरने लग जाती है, जगह जगह से हमारी स्किन उतरने लग जाएगी, वो होता है विटामिन ई की कमी से। और उसके बाद है लास्ट में विटामिन के। विटामिन के की कमी से हमको क्या होता है, क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, मतलब अगर खून आएगा ब्लीडिंग होने लग जाएगी, जगह जगह से हैमरेज हो जाएगा, तो क्या होगा, वहाँ से ब्लीडिंग रुकेगी ही नहीं, काफ़ी देर में बंद होगी या बंद ही नहीं होगी। तो ये होता है विटामिन के की कमी के कारण। अब इनको याद कैसे करें, याद करने के लिए मैं बताते जाता हूँ, अब सुनते जाना ध्यान से। सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए यानी ए से स्टार्ट हो रहा है, इसमें नाइट ब्लाइंडनेस यानी अंधा, तो विटामिन ए की कमी से अंधे हो जाएंगे, तो नाइट ब्लाइंडनेस हो गया। बी से बेरी बेरी, विटामिन बी और बी दोनों बी से स्टार्ट हो रहे हैं। स्कर्वी और विटामिन सी दोनों स से स्टार्ट होते हैं, सी और स्कर्वी, तो स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। डी हड्डी, डी से हड्डी, तो हड्डी की कमी या हड्डी का डिजीज होगा विटामिन डी की कमी से। और ई और के बच के दो तो आप याद कर सकते हो। तो ये था विटामिन से होने वाले डिजीज को याद करने का तरीका, और ये हो गया डिजीज। इनको लेके ठीक कैसे सकते हैं हम, प्रॉपर बैलेंस डाइट लेके हर डिजीज़ को हम ठीक कर सकते हैं या रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास आते हैं मिनरल्स से होने वाले डिजीज़, मिनरल्स की कमी से होने वाले मिनरल्स, जैसे कि आयोडीन, कैल्शियम, आयरन और फॉस्फोरस। तो ये देखते हैं ये डिजीज़ है हमारे पास, कुछ कॉमन डिजीज़ हैं जो मिनरल्स की कमी से होते हैं। सबसे पहले कैल्शियम की कमी से क्या होगा, कैल्शियम की कमी से हम सभी को पता है कि बोन कमज़ोर हो जाएंगी, तो हमको रिकेट्स और नॉकनी जैसी बीमारियां हो सकती हैं, जिसमें के पैर इस तरह से हो जाते हैं या इस तरह से हो जाते हैं, वो होता है कैल्शियम की कमी के कारण। दूसरा है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस भी सेम हमारी हड्डियों के लिए, हड्डियां जो हमारी कैल्शियम और फॉस्फेट से बनी होती हैं, कैल्शियम, तो फॉस्फोरस भी उतना ही ज़रूरी है जितना कैल्शियम है, और हमारे टीथ के लिए भी फॉस्फोरस ज़रूरी है। तो टीथ और रिकेट्स की बीमारियाँ हमको हो सकती है अगर फॉस्फोरस की कमी रहेगी डाइट में। उसके बाद है आयोडीन। आयोडीन नमक में मिलता है हमको। आयोडीन की कमी से गोइटर नाम का एक डिजीज़ हो जाता है, जिसमें के जो नेक है स्वॉलन नेक हो जाती है, मतलब बहुत मोटा सा गर्दन हो जाएगी, वो होती है आयोडीन की कमी से। और लास्ट हमारे पास बच गया आयरन की कमी। आयरन की कमी से होता है अनीमिया। अनीमिया एक ब्लड का डिजीज़ है, जिसमें खून जो है हमारे रेड ब्लड सेल कम हो जाते हैं, काफ़ी रेड ब्लड सेल नहीं बनेंगे तो खून का कलर वैसा नहीं आएगा, और हम वीक फील करेंगे, हर टाइम लेजी फील करेंगे, कमज़ोर फील करेंगे, ये होता है अनीमिया की वजह से। तो ये सारे डिजीज़ हमारे पास आ गए, अब इनके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले तो बैलेंस डाइट लेनी शुरू करनी है सभी को, और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, ये नहीं है कि बहुत बिल्कुल आपने जिम में जाना है एक्सरसाइज करनी है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, थोड़ा सा भाग दौड़ करनी, थोड़े से चल रहे कि प्रेफर करना कहीं पे जा रहे हैं, आसपास जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हम अपने लाइफस्टाइल में ही बना लेंगे, ताकि हम खुद से हेल्दी भी रहे और डाइट अच्छी रखेंगे। सब कुछ खाएंगे, बाहर का भी खाएंगे, जंक फूड भी खाएंगे, फास्ट फूड भी खाएंगे, पर बैलेंस में, खाना घर का पहले फिर बाहर का बाद में, थोड़ा बहुत कभी कभी वीक में, महीने में एक दो बार खा लिया। तो विद दिस इज़ मी विनोद साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना।